तुमने कत्ल किया ना मेरे बच्चे को, तुमने मेरी औलाद का खून किया। नहीं जावेद, मेरी बात सुनो जावेद। आयशा, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो एतबार और भरोसे से बंधा हुआ होता है। तुमने अपनी बदगुमानी से ना इस रिश्ते को जला के राख कर दिया। अब एक कागजी रिश्ता बाकी रह गया, वो भी मैं तोड़ दूंगा। मैंने पूरे 10 लाख रुपए मांगे तेरे जहेज के लिए, इंशाल्लाह जहेज लेंगे। 10 लाख? मम्मी बाबा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे वो दिन गुजर चुके हैं जब हजार हजार रुपए के लिए सफर का मुंह तकना पड़ता था। अब माशाल्लाह से खालिद कारखाने के मालिक हैं और मैं मालकिन। मेरा दिल मेरा दुश्मन। ओ, ओ, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही। हाँ भाई, जब जबरदस्ती का रिश्ता हो ना तो मरहूम शोहर की आखिरी रसूमात भी जी का जंजाल लगने लगती है। तुम्हारी बहुत जल्दी जान छूटने वाली है इस जबरदस्ती की इद्दत से। भाभी आपको कोई काम था मुझसे? अरे हाँ, मैं कहने आई थी कि अपने भाई को फोन कर दो, तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है, तुम्हें आके ले जाए। वैसे भी इद्दत के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, और अगर तुमने नया ताल्लुक बनाने की कोशिश की तो वो मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं। भाभी बस एक बात कहूंगी, जिस दिन आप अपने दिलो दिमाग से गर्द आलूद सोचें झाड़ देंगे, यकीन कर बहुत पुरसकून हो जाएंगे। ये खुद एतमादी तुम्हें जफर की वसीयत सुनने के बाद आई है ना? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, वो वसीयत मैं फाड़ के फेंक दूंगी लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाओगी यहां से। भाभी आप मुझे खाली हाथ होने का ताना देने से पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? आपको अंदाजा भी है कि आप इस घर के हर फर्द का एतबार खोती जा रही हैं, और बेएतबारी का अजाब कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप मेरी फिक्र छोड़ें और अपने बारे में सोचें। इंसान के बुरे वक्त में कोई साजिश भी काम नहीं आती। खुदा करे कि आप पर कोई ऐसी आजमाइश ना आए। माशाल्लाह कितना प्यारा नवासा दिया अल्लाह ताला ने मुझे, बिल्कुल ईमान के ऊपर गया ना। मैं भी ये चाहता था कि हमारा बच्चा ईमान के साथ। बाबा नहीं आए अम्मी? नहीं, वो अभी कारखाने में किसी मीटिंग में है, उन्होंने कहा मैं चक्कर लगाऊं। और शामिल नहीं आया वापस? हर हफ्ते कहता है कि अगले हफ्ते आऊंगा। 4 महीने हो गए उसको गए हुए, मुझे तो लगता है कि वापस ही आना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है मायरा, अब वो कैसे है? इद्दत खत्म हो गई है उसकी, मैके जाने की तैयारी कर रही है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना खूबसूरत नवासा दिया है, इतना प्यारा, बस दुआ है कि पोते की भी शक्ल जल्दी देखूं। आमीन। सुबह में मेरा बच्चा। बहुत प्यारा है।
माशाल्लाह से आज मुझे दो खुशियां मिली हैं, एक एमन के बच्चे की माशाल्लाह से, और दूसरा हमारा शामिल भी घर वापस आ गया। बड़ी अम्मी। हाँ? मायरा के घर वाले आए। हाँ तुम उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। मायरा के घर वाले आए खरी? हाँ उसकी इद्दत खत्म हो गई तो वो घर जा रही है। क्या मतलब है वो घर जाएगी? मैं आपको कह रही हूँ ना, उसकी इद्दत खत्म हो गई है, अब वो किस हैसियत से इस घर में रहेगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा भाभी? ये घर जितना हमारा है उतना मायरा का भी है, लेकिन तुमने उसे जाने के लिए कहा होगा। अब क्या नए रिवाज बनाएंगे आप? बेवा औरत की बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। जवान जहान है, उसका भाई है ना, वो देखेगा कि उसको घर में बिठाए या उसकी शादी करे, हमें इससे क्या? मायरा तुम जब तक चाहो अपने भाई के पास रहो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जाने दूंगा। इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। नहीं खालिद भाई, इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, लेकिन आप उदास मत हो, मैं मिलने आती रहा करूंगी। आप जानती भी हैं, आपके बगैर कैसे रहूंगी, फिर भी जा रही हूँ। इसे मत कहो, तुम्हें काम करना, जब तुम्हारा दिल किया करे ना मुझसे मिलने आ जाना। ये लो तुम्हारी अमानत। ये क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। इसमें इसमें तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स भी हैं। आइंदे से फैक्ट्री की इनकम का हिस्सा तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा। नहीं खालिद भाई, मुझे ये कभी नहीं चाहिए था, बस आप लोगों का एतबार चाहिए था मुझे। ये बेटा, ये तुम्हारा हक है। तुम मेरे मेरे जफर की निशानी हो। जब तक मैं जिंदा हूं खुद को कभी अकेला मत समझ। शुक्र इस बार में वक्त आ गया तो तुम जा रही हो। इतना एक दिन तो जाना ही था शाम में। और अगर मैं कहूँ कि मेरी खातिर रुक जाओ तो क्या कहोगे तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच से भागते भागते तंग आ चुका, तुमसे दूर गया तो तुम और शिद्दत से आ जाने लगे। जिंदगी का हर वो लम्हा जो मेरी दस्तरस में है मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या कह रहे हो तुम ये? मुझे मेरे जज्बात और तरीका इजहार पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। जानता हूँ कि तुम बहुत सारी चीजों से गुजरी, सोचने का मौका तक नहीं मिला। सोच जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रख कि तकदीर हमारे साथ एक दफा खेल चुकी है। तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मारा।
अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शामिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर ही सारी बातें करो, अंदर नहीं बुलाओ। मायरा, कौन है मायरा, कौन आया? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ने कुछ सामान भेजा था मायरा के लिए, ये लो आपकी अमानत, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे शामिल, अंदर आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मायरा अंदर आने का नहीं कहूंगी, आओ आओ, तुम अंदर जाओ, मैं दरवाजा बंद कर। अरे आओ, तुम यहाँ क्यों आए हो शामिर? तुम्हें देखने का और कोई बहाना नहीं था मेरे पास। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और हकीकत बताने में क्या शर्म? शामिर अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो जी में आएगा कहते चले जाओगे। तुमने सामान दे दिया ना, शुक्रिया, अब प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो। मैं कोई इज्जत से तुम्हारा हाथ थामना चाहता, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो शामिर, तुम्हारे चाचा की बेवा हूँ और तुम खुद भी शादीशुदा। वो शादी एक समझौता था जो हम दोनों पर मुसल्लत किया गया, मगर अब जिंदगी हमें हमारी मर्जी की जिंदगी गुजारने का मौका देगी। तुम हाँ कर दो, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। मुसीबत से लेकर मौत तक जो भी आएगा मैं झेल लूं। मायरा, मायरा, शामिल कहाँ है? वो चला गया। चला गया? लो, अब देखो ना, गैस भी तो की मरमर के आ रही थी, वरना चाय तो कब की बन चुकी होती। वो शादी एक समझौता था जो हम दोनों पर मुसल्लत किया गया, मगर अब जिंदगी हमें हमारी मर्जी की जिंदगी गुजारने का मौका दे रही। तुम हाँ कर दो, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। जिंदगी का हर वो लम्हा जो मेरी दस्तरस में है, मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या हुआ शामिल बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस कहीं जाना है, शर्ट आयरन करने के लिए जा रहा हूँ। वो मेरे जहन से निकल गया, लाओ मैं इस्त्री करवा देती हूँ। नहीं आप छोड़े, मैं खुद कर लूँ। अरे नहीं बेटा, लाओ मुझे करवा देती हूँ। मायरा, मैं देख रही हूँ तुम सही से खाना नहीं खा रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने अच्छी तरह खाया है और वैसे भी पेट मेरा भर गया है। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा तो लो, ये दाल तो खाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, बस मैंने खा लिया, भाई बोले ना। देखो तुम जानती हो कि तुम्हारे भाभी के सामने किसी की भी नहीं चलती, तो चुपचाप खाना खाओ बस।
मायरा मैं एक बात सोच रहा था कि तुम अपनी पढ़ाई वापस करनी शुरू कर देते, इस तरह से तुम मसरूफ भी हो जाओगी और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। क्या वाकई भाई, मैं आगे पढ़ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये पूछने वाली बात है। वेदी को फिर हम फकर से कह सकेंगे ना दुनिया को कि हमारी मायरा ने भी मास्टर्स किया हुआ है। क्यों? और अम्मी की तो ख्वाहिश भी थी, वो चाहती थी कि तुम अपनी डिग्री पूरी कर लो। अब वो तो रही नहीं है, लेकिन हम उनकी ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही जाके ना एडमिशन फॉर्म लेकर आती हूँ। हाँ। साथ चलते हैं, मैं तुम्हें लेकर चलूँ। चलो खाओ खाओ। शामी शर्ट, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी आयशा। सुनो शामी, पहले भी तो मैं ही करती थी ना तुम्हारे काम, तो अब क्या हो गया? पहले की बात और थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरा कोई काम करो। शामी तुम क्यों इतना बदलते हो? तुम्हारा मोहब्बत भरा लहजा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता आयशा, मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। आयशा, मैंने मायरा से बहुत टूट कर मोहब्बत की, मुझे नहीं मिली तो मैंने तकदीर के इस फैसले को कबूल कर लिया, और अब जब किस्मत मुझे अपनी मोहब्बत और खुशी हासिल करने का एक बार और मौका दे रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। करो ऐसे, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे भर रहे। और अगर अब मुझे मायरा ना मिली तो मैं मर जाऊंगा आयशा। क्या बात है आयशा, क्या हो गया, क्यों रो रो के हलकान किया हुआ अपने आप को? क्या कहा शामीर ने? बड़ी अम्मी, शामीर ने कहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। क्या? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, गुस्से में कह दिया होगा ऐसे उसने। बड़ी अम्मी, उसने मुझे बहुत वाज़ेह अल्फाज में बोल दिया कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। आप प्लीज उसे समझाएं, मेरा घर टूटने से बचा ले, मैं बहुत प्यार करती हूँ शामिर। मेरी अम्मी बेटा, रोना बंद करो, आने तो शामिर को, मैं उससे बात करती हूँ, बस चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मायरा कितनी खुश है ना? हाँ, पता है जब मैं मायरा को खुश देखती हूँ ना तो मेरे दिल में जो बोझ है ना वो उतर जाता है। सल्लमिया मायरा को हमेशा खुश रखे। मामी, अम्मी की रूह कितना खुश होती होगी हमें देख के साथ खुश। ऐसे जावे, मायरा भी जवान है, कम उम्र भी है, मैं सोच रही थी कि वो इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे गुजार रही थी। अकेले? हाँ, क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि क्यों ना हम कोई अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी कहीं करवा दें। नहीं शाइना, नहीं। क्यों? देखो उसने बहुत दुख उठाए और अब उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका, मैं उस पर कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहता। उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, खुश रहने दो, बस उसका ख्याल रखो, उसे प्यार दो।
अब आयशा की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तो फिर किसकी जगह है, बोलो किसकी जगह है? मायरा, मैं मायरा से शादी करूंगा। शामिर, मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? दोस्तों के साथ में पता नहीं चला टाइम का। शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छड़े नहीं हो कि इतनी रात गए तक घर से बाहर रहो। बीवी है घर में एक तुम्हारी, और वो जिम्मेदारी नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक ही बात को कितनी दफा दोहराऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और ये क्या अनाप शनाप बोल रहे थे तुम आयशा से? अगर तुम्हारे बाबा को इसकी भिनक भी पड़ गई ना, तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। जाओ उसके पास जाओ और उसको मनाओ, झगड़ा खत्म करो। मैं झगड़ा नहीं खत्म कर रहा, मैं इस रिश्ते को ही खत्म कर रहा। क्या? दिमाग तो ठीक है ना, माना कि उससे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि छोटी सी बात को इतना तूल दे दो तुम। मम्मी, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मैं इस बात पर अमल भी करूंगा। शामिर, खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की। अगर तुमने ऐसी हरकत की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम? अगर अब आप मेरी जान भी ले लें, तो मेरा फैसला बदलेगा नहीं। अब आयशा की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तो फिर किसकी जगह है, बोलो किसकी जगह है? मायरा, मैं मायरा से शादी करूंगा। शामिर, ये क्या कहकर गया मुझसे? ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं आपको कह रही थी ना खाले कि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। जिस बेखौफी से वो मेरे सामने इकरार कर रहा था, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। इसीलिए तुम्हें समझाता रहा हूं मैं। इस तूफान की आहट मैंने बहुत पहले महसूस कर ली थी। अरे काहे की आहट महसूस कर ली थी आपने? मैं चिल्लाती रही कि मायरा के इरादे ठीक नहीं है, लेकिन इद्दत खत्म हुई और उसने शामिर को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। उस बेचारी को क्यों कोस रही हो? सारा कसूर तुम्हारे लाडले का है। अरे अल्लाह, अब दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? तो किसी के आगे आगे उठाने के भी काबिल नहीं रहे। अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे मौत दे दे अल्लाह। अरे भी शोर शराबा बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो। अरे सोचना क्या, शामिर के सर से चुड़ैल का भूत उतारना है बस। और मैं सफर को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक तरफ उसकी बेटी का घर उजड़ना है, और दूसरी तरफ उसकी बेवा। तौबा तौबा, या अल्लाह, अब क्या होगा? हाय अल्लाह, शामिर तूने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दुनिया तू तू करेगी हम पे, हम जलील होके रह गए, रुसवा होके रह गए। अच्छा बस करो, बस करो, सोचने दो मुझे। मायरा, नाश्ता बस तैयार है। नहीं भाभी, मैं लेट हो जाऊंगी, ऑलरेडी काफी लेट हो गई हूँ। मैं तुम्हें इस तरह बगैर खाए पे नहीं जाने दूंगी कॉलेज में, कुछ तो खा के जाओ। भाभी समझे ना, पहला दिन है, नहीं कर सकती मैं ज्यादा देर। भाई कहाँ रह गए? सॉरी सॉरी सॉरी, बस तैयार हो गया, चलो चलो। और मैंने जो नाश्ता बनाया उसका क्या? तुम वो भी मत निकालो ना, मैं इसको छोड़कर आता हूँ, फिर साथ नाश्ता करेंगे। चले भाई।
से मोहब्बत करते हैं ना, उसकी सारी खबर रखनी चाहिए। अरे तुम्हारे घर क्या था? तुम्हारी भाभी ने बताया कि तुमने यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। बहुत ढीठ हो तुम। तुम्हारे हिसाब से ढीठ हूँ? मुझे लगता है कि मैं साबित करता हूँ, और दुनिया क्या सोचती है उसकी फिक्र नहीं। तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो शामिल। मेरे यकीन को चैलेंज कर रही हो? हार जाओगी शामिल। बहुत मुश्किल उठाने के बाद मुझे ये जिंदगी में सुकून मिला। प्लीज इसे मुझसे मत छीन। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी सिर्फ मेरे साथ है मायरा। इस सच्चाई से कब तक भागती रहोगी तुम? ये सब तुम्हारे जहन का फितूर है शामिल। सच तो ये है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो। सच बोलने की हिम्मत रखता। देखो मायरा, दूसरों के लिए जिंदगी जीना बहुत अच्छी बात है मायरा, मगर हमारी जिंदगी पे सबसे पहला हक हमारा अपना होता। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है मायरा, जिस दिन तुम दुनिया का खौफ छोड़कर ये दिल की सुनोगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। जवान औलाद बूढ़े बाप का सहारा होगी, अगर तुमने तो मेरे कंधे मजीद झुका दिए हैं शामिल। क्यों दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहती हो? आपने हमेशा दुनिया वालों के बारे में ही तो सोचा है बाबा, कभी अपने बच्चों की खुशी के बारे में भी सोच ले। ऐसे ऐसे हासिल करोगे खुशी? तुम्हें बात सोचते हुए शर्म नहीं है? क्यों बाबा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं मायरा से मोहब्बत करता हूं और उसे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में लाना चाहता हूं। बस, अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं सब रिश्ते भूल जाऊंगा। आयशा मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। तो फिर आप भी मेरा एक आखिरी फैसला सुन ले बाबा, चाहे आप मेरी जान ले ले, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। शामिल बाबा, खालिद, खालिद क्या हुआ आपको? क्या हुआ खालिद, क्या हुआ आपको? मैं इसे कहूं कि चला जाए यहां से। याद रखना, तो मैं मर भी जाऊं तो इसे मेरे जनाजे को कांधा मत देने देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। और तुम क्या आप जान लोगे इनकी? जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। खालिद चले उठे, चले उठे हॉस्पिटल, चले चले। नहीं नहीं, दराज में से मेरी दवा मंगवा दो। आयशा, आयशा अपने बाबा की दवाई लेकर आओ जल्दी। खालिद आप ठीक है? मैं पानी लेकर आती हूँ आपकी।
क्या बात है मारा, परेशान लग रही हो? नहीं भाई, बस बस यूं ही। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई बात तुम्हें परेशान है। अब तुम बताना नहीं चाहती तो वो एक अलग बात है। तुम्हारे खदशात भी ठीक ही हैं। मैंने और शाइना जो माजी में गलतियां की हैं, उसके बाद हम भरोसे के काबिल तो नहीं हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस अम्मी की बहुत याद आ रही थी आज। बेटी होने का हक तक अदा नहीं कर पाई। सोच रही हूँ जब वो जिंदा थी तो मैं नहीं थी उनके पास, और आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो वो मेरे पास नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत खिदमत की है तुमने अम्मी की। बदनसीब मैं हूँ, मैं अम्मी की खिदमत नहीं कर सकता। और देखो दुनिया भी बर्बाद कर लिया रात को। मेरा तुम खुश रहा करो, तुम जब मुस्कुराती हो ना तो मेरे दिल का बोझ कम। अब तुम इन सारी फिक्रों से आजाद हो जाओ, अपनी जिंदगी जियो। एक फैसला हमने तुम्हारे लिए किया था जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखी। अब तुम इन सब चीजों से आजाद, अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए फैसले करो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, आजकल जिंदगी अजीब मोड़ पर ले आई, जहां दिल किसी और राह पर और दिमाग किसी और राह पर चल रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी राह सही है और कौन सी राह गलत। बाबा की तबीयत इतनी खराब थी अम्मी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैं तुझे क्या बताती है मन, हम तो खुद बेबस हो गए हैं इस लड़के की बदतमीजियों के आगे। ना इसकी आंखों में दीद है ना लिहाज है, इस तरह से तनकर खड़ा हो गया था अपने बाप के आगे। अभी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शामिर ऐसा कर सकता है। औलाद के मामले में तुम्हारा नसीब ही खराब है। आने वाले वक्त का सोच के तो मेरा दिल हौल रहा है। और आयशा वो क्या कहती है? वो क्या कहेगी बेचारी, एक तरफ शौहर और दूसरी तरफ सौतेली माँ। तौबा तौबा, अगर लोगों को पता चल गया तो दुनिया थूकेगी हम पे। अल्लाह ना करे अम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया। आप परेशान मत हो, मैं शामिर से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि हमारा माशरा ऐसे रिश्तों को कबूल नहीं करता। अरे उसे क्या परवाह है। लेकिन एक बार बेटा, तू अली से इस बात का बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना पता नहीं वो हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेगा। जी आप बेफिक्र हैं। ना जाने मैंने क्या क्या सोचा था कि मुन्ने के आने की खुशियां मनाऊंगी, सारी बिरादरी को बुलाऊंगी, लेकिन ये मनहूस मायरा, हमारे घर से जाकर भी इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्या बात है भाई, आज तुम्हारी मायरा बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दुनिया को चीख चीख कर अपने खुशी का बताऊं। खैरियत, रातों रात तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जो तुम इतनी खुश हो, हमें भी तो पता चले। बस भाभी यूं समझे कि मेरी बहुत कीमती चीज मुझसे खो गई थी और आज वो मुझे मिल गई। कीमती चीज खो गई थी, मिल गई, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा खैर जो भी है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे खुश रहो जैसे अभी हो। अभी कभी कभी तो समझ ही नहीं आता जिंदगी एकदम मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। सब कुछ एक अजीब ख्वाब सा लगता है।
तुमने इम्तिहान भी तो इतने कड़े झेले हैं, और पता है तुम्हें दुख और तकलीफें देने में सबसे बड़ा हाथ मेरे है। काश मैंने तुम्हें अपनी नन नहीं समझा होता बल्कि अपनी छोटी बहन समझा होता तो तुम्हें इतनी तकलीफें और इतने दुख नहीं झेलने पड़ते जितने तुम झेल चुकी हो। नहीं भाभी, मैं वो सब कुछ अब भुला चुकी हूँ। बेहतर ये है कि आप भी भूल जाएं। और वैसे भी आप और भाई जितना मुझे प्यार दे रहे हैं मेरे लिए वो बहुत है। मायरा, मैं भी ये चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा हमेशा। तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही, चलो जल्दी करो, क्लास निकल जाएगी तुम्हारी। मैं भूल ही गई। खालिद, खालिद, क्या हुआ खालिद आपको? आयशा, आयशा, खालिद होश करें, होश करें, आयशा जल्दी आओ। खालिद क्या हुआ बड़ी अम्मी? पता नहीं, देखो। बड़े अब्बू, बड़े अब्बू उठे, तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। इतना तेज बुखार? क्योंकि मैं शामिल को बुला कर लाती हूं। कोई जरूरत नहीं है उसको बुलाने की, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तुम जाओ ठंडा पानी और पट्टियां लेकर आओ, जाओ। अच्छा, परेशानी हूं, मैं लेकर आती हूं। खालिद, या अल्लाह, जब से ये मायरा मनहूस इस घर में आई है ना, हम लोगों का सुकून बर्बाद हो गया है। खालिद उठे, आयशा बेटा जल्दी करो। खालिद, मेरा दिल मेरा दुश्मन।